भागलपुर में 2 साल में 1 करोड़ रुपए के 534 मोबाइल खो गए थे। पुलिस ने इन मोबाइल को ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसके मालिकों को लौटा दिया है। इसी कड़ी में एक बार फिर इस साल के 6ठे चरण में भागलपुर पुलिस ने शुक्रवार को एसएसपी दफ्तर में ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम आयोजित किया और चोरी खोए हुए छिनतई के 35 मोबाइल को रिकवर कर लौटाया। मोबाइल मिलते ही मोबाइल धारक के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान देखी गई। इस दौरान भागलपुर पुलिस को लोगों ने धन्यवाद भी कहा। दरअसल 2023 से भागलपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर चोरी छिनतई के मोबाइल और खोए हुए मोबाइल को DIU टीम की मदद से रिकवर कर मोबाइल धारकों को लौटा रही हैं। शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित कर 35 मोबाइल धारकों को मोबाइल वापस किया गया। मामले पर SSP आनंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 से ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुई थी। पिछले साल 23 और इस साल अब तक 534 मोबाइल रिकवर कर लौटाया गया है। करीब 1 करोड़ के मोबाइल की रिकवरी हुई है। भागलपुर पुलिस रोज एक मोबाइल को रिकवर कर रहा है। हमारा टारगेट है कि हमारी जो टेक्निकल टीम काम कर रही है वह टारगेट को बढ़ाकर ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन रिकवर करें। हम लोगों ने 2023 और 24 को मिला दिया जाए तो लगभग 534 मोबाइल, जिनकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, मोबाइल को उनके जो वास्तविक धारक हैं उनकी पहचान करके उनको वापस किया गया है। आज उसी का 2024 का जो 6ठा चरण, जिसमें 35 मोबाइल हम लोग रिकवर करके और उनके जो वास्तविक धारक हैं उनको बुला के सौंपे हैं। आप सभी लोगों को पता भी है कि 1 महीने पूर्व भी हम लोगों के द्वारा लगभग इतने ही मोबाइल जो धारक हैं उनको बुला के उनको दिया गया था। भागलपुर में एक महिला दरोगा ऐश्वर्या राय पर 2,90,000 रुपये की ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित शंभू कुमार ने 22 नवंबर को CTSP को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद गुरुवार को मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई। दरोगा ने आरोपों को झूठा बताया। ऐश्वर्या भागलपुर के शाक्षक थाने में तैनात है। उन पर पीड़ित शंभू कुमार की बेटी को दरोगा बनाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बिसौनी गंगापुर गाँव का है। दुकानदार शंभू का कहना है कि साल 2022 के श्रावणी मेले में दरोगा ऐश्वर्या राय की ड्यूटी सुल्तानगंज प्रखंड शिविर में लगी थी। प्रखंड कार्यालय के पास ही मेरी दुकान है, वहाँ महिला दरोगा ड्यूटी के दौरान आती थी। इस दौरान ही उनसे पहचान हुई। कुछ दिन बाद उनसे पूछा कि दुकान से आप कितनी कमाई कर लेते हो, यदि आपका कोई लड़का है तो मैं उसे बिहार पुलिस में भर्ती कर दूंगी, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। उन्होंने यह कहकर कई लोगों से मोबाइल से बात कराई कि उनकी नौकरी में लगा चुकी हूँ। फिर शंभू ने बताया कि महिला दरोगा के भरोसे में आने के बाद 15 लाख में नौकरी की बात पक्की हुई। शुरुआती राशि के रूप में मैंने 1,00,000 रुपये कैश अपनी दुकान पर दरोगा को उनके करीबी धनंजय कुमार के सामने दिए थे। बेटे के पेपर्स भी दिए। दरोगा ने कहा कि जैसे जैसे काम का पैसे देते जाना। फरवरी 2023 में महिला दरोगा औद्योगिक थाना सिरोमाइल में पदस्थापित थी। उन्होंने और 2,00,000 रुपये देने की मांग की। मेरे पास 2,00,000 नहीं थे। सिरोमाइल स्थित उसके घर पर जाकर चेक से मैंने उनको 1,90,000 रुपये दिए। 4 मार्च 2023 को चेक कैश हो गया और उस पैसे उनके पास चले गए। शंभू ने बताया कि इस काम में मैं उनकी करीबी धनंजय कुमार भी साथ थे, लेकिन अब इतने दिन बीत गए, बेटे की नौकरी नहीं लगी, बाकी बचे हुए रुपए की मांग की जाने लगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि लिस्ट दिखाइए, मेरे बेटे का नाम कहाँ है, तभी हम पैसा देंगे। उन्होंने आनाकानी शुरू की। लगभग 1 साल से ज़्यादा तक उन्होंने बात टाली। मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज की। बहुत बहस हुई, जिसके बाद मैंने उनको कॉल लगाना बंद कर दिया। मैं समझ गया कि कोई नौकरी लगने वाली नहीं है, ठगी का शिकार हो गए हैं। इधर 22 नवंबर 2024 को पीड़ित दुकानदार शंभू ने आवेदन देकर CTSP से न्याय की गुहार लगाई। 28 नवंबर को SP ने जांच का आदेश देते हुए टीम का गठन कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। SSP आनंद कुमार ने बताया कि दुकानदार ने आवेदन दिया है, उसने एक महिला दरोगा और उसके एक करीबी धनंजय कुमार पर नौकरी के नाम पर रुपये लेने का आरोप लगाया है। मामले में जांच की जा रही है। विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण को जांच के लिए निर्देश किया गया है। वहीं इस मामले पर दरोगा ऐश्वर्या राय ने बताया कि धनंजय ने पीड़ित से कर्ज के तौर पर रुपये लिए थे, बकायदा 10,000 रुपये लौटाया भी था। बाकी रुपये लौटाने की बात भी धनंजय और पीड़ित से हो चुका था। अब बीच में बेवजह मुझे घसीटा जा रहा है, हम ऐसा क्यों करेंगे, नौकरी लगाने के नाम पर आप और धनंजय ने रुपये लिए। इस सवाल पर दरोगा ने जवाब दिया कि मैंने उनसे रुपये नहीं लिए हैं, आरोप बेबुनियाद है। सिपाही भर्ती कौन कहा को एस्टोरिया है। क्या है वो? वो SI है। कहाँ है वो? अभी भागलपुर में ड्यूटी है उनका। पुलिस लाइन में? पुलिस लाइन। जी जी जी। 2018 बैच की है। जी जी। तो हम तैयार हुए तो उस बैच में उनको जो है 1,00,000 रुपया नगद दिए, बच्चे का कागज दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, तो चले गया। फिर बीच में बाद में बात हुआ क्या कि जो है और पैसा लगेगा, तो 2,00,000 रुपया का और मांग किया। तो मेरे अकाउंट में 2,00,000 रुपया नहीं था, 1,90,000 रुपया उनको चेक
काट करके उनके डेरा में जाके दे दिए जी। जो डेरा उनका 0 माइल में डेरा था उनको वहीं जाके दे दिए। उसके बाद फिर वो चेक जो है 10 दिन के बाद भन गया, 4/3/2023 को चेक भन गया। हाँ, पैसा निकल गया डायरेक्ट। तो इस बीच में हम पैसा का भी मांग बीच बीच में करते रह गई वो। तो हम बोले कि ठीक है बेटा, उनको लिस्ट दिखाइए, बच्चे का भी लिस्ट में नाम होगा तो हम देंगे पैसा, मेरा काम होगा तो पैसा दे देंगे रेस्ट पैसा। तो बोला कि अच्छा नहीं होगा, हाँ होगा। इस तरह से करते करते बहुत दिन तक टालते रह गया। भागलपुर जिले के भोलसर पश्चिम टोला निवासी अंकित कुमार रंजन ने बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 23वां स्थान हासिल किया है। उन्हें DSP के पद पर चयनित किया गया है। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के समर्थन और सेल्फ स्टडी को दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में रहकर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है यदि आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पढ़ाई की जाए। अंकित के पिता रुदल पंडित ने बताया कि परिवार ने आर्थिक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन बड़ी बेटी जूली कुमारी के जूनियर इंजीनियर के पद पर चयन होने से स्थिति में सुधार हुआ। इस सफलता से पूरे गाँव में जश्न का माहौल है। अंकित के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। में यकीन नहीं हो रहा था, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली कुछ कर गए। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग गांव के ही सरकारी स्कूल जो मध्य विद्यालय भोलसर पश्चिम टोला है यहाँ से हुआ था, और फिर बाद में हाई स्कूल 1/4 से उच्च विद्यालय की शिक्षा की, और फिर NIT जमशेदपुर से ग्रेजुएशन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कैसा सपोर्ट मिला घरों से? स्टार्टिंग में जब पापा नियोजित शिक्षक में थे तब थोड़ा फाइनेंशियल का इशू होता था, कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सब, चूँकि घर में और भी जो दो बड़ी दीदी थी दोनों पढ़ने वाली थी तो सभी के लिए मैनेज करना पड़ता था। फिर कॉलेज जाने तक एक दीदी का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ से काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प हुआ, और फिर उसी के मतलब सभी के सहयोग से ही फिर आगे पढ़ाई की। अंदर से लगता है कि फूल मेरा खिल गया है। जब हम सुने रात में तो आधा रात तक हमको नींद नहीं आया है, इतना खुशी हमको हुआ कि हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। और जीवन में क्या है, एक बेटा है उसमें भी मेरी चाहत के अनुसार हो गया, तो यही सबसे मेरी उपलब्धि है। भागलपुर में 1 दिसंबर को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचेंगे, जिसको लेकर भागलपुर में लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ता चिराग पासवान के स्वागत के लिए जोर शोर से जुट गए हैं। बता दें कि सपोर हाई स्कूल मैदान में चिराग पासवान का भव्य कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस दौरान नाथनगर के चर्चित युवा समाजसेवी विजय यादव अपने हजारों कार्यकर्ता के साथ लोजपा रामविलास का दामन थामेंगे। वहीं चिराग पासवान विजय यादव को अपनी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराएंगे। युवा समाजसेवी विजय यादव के लोजपा में शामिल होने के बाद भागलपुर में लोजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वहीं पूरे मामले की जानकारी समाजसेवी विजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं युवा समाजसेवी विजय यादव। बिल्कुल, भागलपुर जिस संकल्प के साथ भागलपुर चिराग जी आ रहे हैं, नव संकल्प जिस सभा का नाम दिया गया है, एक नई योजना नई उत्तेजना के साथ नई ऊर्जा के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चिराग पासवान जी भागलपुर की जनता को संबोधित करेंगे, और उस दिन उसी दिन 1 दिसंबर को मैं समाजसेवी विजय कुमार यादव उस पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं, और हमारे साथ साथ हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भी उस पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे। लोगों से क्या अपील है इस कार्यक्रम को लेकर? लोगों से अपील है कि इस कार्यक्रम में, इस सभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, और चिराग पासवान जी की वाणी से अपने बिहार की जो रथ है जो आगे बढ़ रही है, चिराग पासवान जी का जो चेहरा जो आइकॉन बना हुआ है पूरे बिहार में, उस चेहरे को देखें और उस मुखाबनी से जो बातें बोलेंगे बिहार को प्रोग्रेस के लिए, बिहार का जो विकास होगा उसको जो है सुने।
भागलपुर में 30 नवंबर को राजपथ पार्क मैदान में जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर शुक्रवार को राजपथ पार्क मैदान में भागलपुर के सांसद अजय मंडल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कई सांसद और विधायक शिरकत करेंगे। अजय मंडल ने कहा कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में लगभग 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन के बैठक में पधार रहे हैं। हम लोग अपनी जितना हो सकता है भागलपुर जिला की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी जदयू परिवार की ओर से उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं और अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को भागलपुर जिला को सफल से सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए भागलपुर कितना तैयार है? जितना अधिक से अधिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता मिलकर के, सभी कार्यकर्ता का सम्मेलन बहुत बढ़िया से हो, इसके लिए तैयारी जारी रखें। कितना लोग जुटेगा सर इसमें? जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग जुटेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है कार्यकर्ता सम्मेलन का? आप तो जान ही रहे हैं कि नेता काहे के लिए सम्मेलन करता है। 2025 सामने है तो मुख्य तो वही है, हमें पुनः 25 से 30 नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान करना, इसी की तैयारी मुख्य रूपेण है बस।